सो हेलो मेरे देवलोक के हिप हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप 2.0। गाइस तो और बताओ यार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया यार, सब बढ़िया ही होना चाहिए, सब कुछ एक नंबर होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में वापस, और अभी हम जिस गाने का रिएक्शन करने वाले हैं वो भाई गाना किंग का है, और गाने का नाम है देसी डैन बिलजेरियन, और ये गाना था गोरिल्ला बाउंस का, मतलब जो उनके एल्बम है उसका ही गाना है, प्रोड बाय सेक्शन 8। तो देखते क्या कुछ है गाने में। आर्टिस्ट है किंग, लिरिक्स किंग के हैं, कंपोज बाय किंग, म्यूजिक वीडियो बाय सेक्शन 8, मिक्स मास्टर एस शिव, डायरेक्टेड बाय यश छाबरा। ओके, तो ये सब पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, सीधे गाने में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है गाने में, क्या नया टोन दिया भाई ने गाने में इस बार, मजे लेते हैं गाने के, ठीक है, रिएक्शन देंगे, रिव्यू दूंगा लास्ट में। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, मजा आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी इस देवलोक में कोई भी सभा बैठेगी आपको सबसे पहले आमंत्रित कर दिया जाएगा, और आप आकर के उस सभा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो भैया बूम। किंग्स क्लैन MGMT, द गोरिल्ला बाउंस हिट्स फ्रॉम होम। ओके किंग, जो जानते नहीं उनको भी लगूं फैमिलियर, बना मैं शक से नहीं बेशक करूंगा क्लियर, मैं माल फूक के ना लिखूं ये बुद्धि तेज, इतनी एल्बम में बना के फेंकूं एक बिलोन ना मिलियन। भाई 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 रुको रुको, बहुत तगड़ी लाइन बोल गए एक बार। मिलियन बना मैं शक से नहीं बेशक करूंगा क्लियर, मैं माल फूक के ना लिखूं ये बुद्धि तेज, माल फूक के नहीं लिखता हूं, मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि मुझे माल वाल फूकने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही गाने लिखता हूं। नहीं एल्बम में बना के फेंकूं एक बिलोन ना मिलियन, एल्बम में बना के फेंकूं एक बिलोन ना मिलियन, मतलब कि मैं पूरी एल्बम फेंक देता हूं और एल्बम का एक भी गाना मिलियन से नीचे नहीं होता। ओके, और आजकल तो लग रहा है डेली गाने आने वाले हैं, कल आई थिंक परसों आया था और आज गाना आया, अब हो सकता है कल छोड़ के परसों एक और गाना आ जाए, भाई क्या कुछ कह नहीं सकते। चलो मैं मौज काटू जैसे देसी डंबल से, जो खाते खार साले बैठे अच पवेलियन, कल ही शाम ऐसी बंदी से मिला था जिसका नाम पीछे कौर पर वाइब थी ब्राजीलियन। ये कौर मतलब जिसका नाम पीछे कौर यानी कि पंजाबी, और वाइब थी ब्राजीलियन, तुम समझ गए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलूंगा वो चीज, ठीक है, ब्राजीलियन का यहाँ पे रेफरेंस कहाँ जा रहा है भाई, लेकिन ठीक है भाई। माग से और खेलते हम राग से, क्या बता दूं, ब्राजीलियन फिजिक पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, फीमेल पे, समझ जाओगे भाई। ये बच्चे कितने भी बड़े बड़े ना पाप से, मैं नाम राशि ऐसी रख के घूमता हूँ, बंदे कहते नाम जीने का तरीका सीख है आप से, खुला खाना खुद कमाना खुल के जीना, जिनसे मिलता सब हसीना जैसे घूमता बहारों में, हाँ हूँ कमीना पर नगीना लेके घूमू हर महीना पूरा साल जैसे जीता हूँ त्योहारों में। हथौड़ा ओके, ओके ठीक है भाई, यहाँ पर नगीना को कुछ लाइक मेरे हिसाब से मेटाफोरिकली रेफर किया गया अपने गानों को, नगीना लेके घूमू साथ में हर महीने, देखता हूँ फिर से सुन, खुल के जीना जिनसे मिलता सब हसीना जैसे घूमता बहारों में, हाँ हूँ कमीना पर नगीना लेके घूमू हर महीना पूरा साल जैसे जीता हूँ त्योहारों में, हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से बाहर छाती शाइन मारे प्राउड से, तीन बटन खुली रहती है किंग की हमेशा, अभी टी शर्ट है शर्ट में, कभी भी तुम मतलब हसल का पूरा शो देख लोगे ना, तीन बटन हमेशा खुली रहती है, तो वही चीज बता रहे कि तीन बटन खुली है, शान से मेरी छाती खोल के घूमता हूँ मैं। ओके, और भाईचारा रखे ना करते देख के हम जाती, हल्ला काटे पूरा झुंड से डरा ना करते, करे फतेहपुरी अधूरी जंग लड़ा ना करते, आगाज मार दे अंजाम से जो पहले, हम वो काले बेटा जिनके हाथ रोशनी धरा ना करते, हुआ तो बात क्यों बैठाते हो, कमजोर देख के ही हाथ क्यों उठाते हो, अकेले मोड़ दी कलाई अफलातून। ओके, मंथली लिसनर्स बढ़ते जा रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे, तू आके देख ले 14 मिलियन। ओके, इन्होंने सारे गाने 3 मिलियन नो लॉस। ओके, अपने गानों के स्क्रीनशॉट दिए हैं और अपने मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स और किंग अपने चैनल का वो दिया है। नोखी तो दुनिया हमसे कहती इतना कह के क्यों जताते, जो राज रख ले ऐसा राज किससे राजी है, मैं हार के भी जीता खेली ऐसी बाजी है, ये सच पसंद नहीं तो कर लो अपने खाने बंद, में धीरे धीरे फाड़ू बेटा कौन सी जल्दबाजी है, आंखें बंद करके भी मैं देखूं दुनिया को, ये दुनिया गैरों से भी ज्यादा अपनों से मरी हुई, मुट्ठी खोले के मैं क्या हिलूंगा अपनों से, जो अपनों की ही आंखें मेरे चेहरे से जली हुई, मेरे हाथ दोनों अपनों की ही आंखें मेरे चेहरे से जली हुई। ओ भाई ये काफी ज्यादा डीप लाइन बोल गए, मैं उनसे क्या हाथ मांग भाई फाड़ के लूंगा, जो मेरे चेहरे को देख के मुझको देख के जलते हैं भाई, उनसे मैं क्या ही भीग लूंगा। ओके
के दोगे झूठे इल्जाम से तो मान लूंगा गैरों के तुम साथ हो, मगर हर बात का जवाब देता है ये वक्त मेरी बातें कड़वी या तुम कितने दिल के साफ हो। आज भी अगर मेरी बातें तुमको कड़वी लग रही हैं तो तुम दिल के साफ नहीं हो, ठीक है। अगर ये मेरी बातें तुमको ये बताएंगे कि तुम दिल के कितने साफ हो, क्योंकि अगर मेरी बातें तुम्हें ये सच है भाई, अगर तुम्हें कड़वी लग रही है तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो गलत है ना। तो माथे पर तुम देखोगे चाहे खड़ा अकेले चाहे कितने पीछे वार हो, भले मंजूर ना हो दुश्मनों से हारना, पर दिल के टुकड़े होते हैं जब दुश्मनों में यार हो। एक दिन जब ये लाइन ना भाई, सारे बंदे एक लाइन से रिलेट कर पाएंगे कि दुश्मन कितने भी सामने हो ना, वो टेंशन नहीं होती, टेंशन तब होती है, टेंशन नहीं बेसिकली बुरा तब लगता है जब उन दुश्मनों में अपना कोई दोस्त खड़ा हो, अपना कोई यार हो साथ सामने। ओके लेगा सच तो पैर जमीन ये छोड़ देंगे, आंखें खुद से रूठ जाएंगी, हम तो बैठे होंगे पहुंच से भी दूर बेखबर, तब जानी कड़वी ही ये बातें तुमको खाएंगी। अपना क्या है हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहां मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे, हमसे क्या ही पाओगे तुम दिल दुखा के, हम तो इसके भी किंग केडेंस ट्राई कर रहा भाई। देखो स्टार्टिंग में हाई पिच और जाते आते फिर ओके नज़म बना के प्यार लूट जाएंगे, तीन नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है, कहती पकड़ में मैं ना आती अच्छे अच्छों के, पर तुझ में ऐसा क्या है मेरा पूरा ध्यान मुड़ गया। ओ भाई ओए सक्सेस बोल रही है किंग को कि मैं अच्छे अच्छों के हाथ नहीं आती, तेरे में ऐसा क्या है जो मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, यानी कि किंग पे सक्सेस जो है वो फिदा हो चुकी है और जो किंग है वो सक्सेस को अपना चुके हैं, उनको लेके उड़ गए हैं। ओके जुआ भी जीतेगा मैं लिख के देती हूँ, जमाना तेरे लिए रुक गया है, अगर पता चले फर्क तो मर्ज कोसेगा, मैं क्या ही दूं दवा तो खुद जहर जो पी के उठ गया है, जहर पी के उठ गया इन द सेंस बहुत ज्यादा गरीबी से, बहुत ज्यादा लाइक जो प्रॉब्लम्स जितने प्रॉब्लम्स नहीं भाई प्रॉब्लम्स जितनी है उनको फेस करके तो ऊपर आया है, तो मैं तेरे को ऐसी कौन सी दवा दूँ, तेरे को जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो ऑलरेडी इतना अप है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। ओके जो जानते नहीं उनको भी लगू फैमिलियर, बना मैं शख्स नहीं बेशक करूंगा क्लियर, मैं माल फूक के ना लिखूं ये बुद्धि तेज, इतनी एल्बम बना के फेंकू एक बिलो ना मिलियन, मैं मौज काटू जैसे तेज डंबल सीरियन, जो खाते खार साले बैठे अज पवेलियन, कल ही शाम ऐसी बंदी से मिला था जिसका नाम पीछे कौर पर वाइब थी ब्रसिलियन। ओके खत्म, ठीक है भाई, ब्राज़ीलियन वाइब अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। और जो लाइंस बोली हैं सारी की सारी सच बोली हैं, लाइक कि एल्बम बना के डाल देते हैं और एक भी गाना मिलियन बिलो नहीं है, ठीक है, सारे गाने मिलियन टच कर जाते हैं किंग के बहुत ही ज़्यादा इजीली, मतलब ऐसा मक्खन जैसा, ठीक है, गर्म चाकू करके मक्खन में रखोगे ना जितना स्मूथली चलता ना उतना स्मूथली वाइब के मिलियन होते हैं। अच्छे अच्छे को भाई मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना मिलियन लाने के लिए, वो उनको भाई गाना फेंका और कल मिलियन, ये वाला सीन हो गया किंग का। तो लाइक अभी काफ़ी सारे लोग किंग से कंप्लेन कर रहे थे कि जो सेम ट्यून लग रही है, भाई ने बदल दिया, लो बूम बैप पकड़ो, ठीक है। अभी पिछले वाले गाने में भी कुछ अलग टोन दिया था, कुछ नया फ्लो दिया था, अभी इधर दिया बूम बैप रखो भाई, ठीक है, नया नया लेते जाओ 90s वाला बूम बैप टाइप। तो काफ़ी सही बीट भी काफ़ी सही लग रही थी, मतलब उतना बीट डोमिनेट नहीं कर रही थी इस वाले गाने में, क्योंकि जो लिरिक्स थी ना वो लाइक रियल लाइफ के लिरिक्स दे रहे थे, ऐसा कोई लाइक पोएट कवि वाला सीन नहीं था यहाँ पर, जो रियल लाइफ एज़ अ रैपर भाई अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है, और कुछ मेटाफर्स मारे भाई बहुत तगड़े तगड़े, ठीक है। और वो किस्मत वाली लाइन मेरे को बहुत सही लगी, परसोनिफिकेशन, किस्मत आकर के मेरे को बोली कि तुझमें ऐसा क्या है कि मैं तेरी तरफ मेरा पूरा ध्यान मोड़ चुका है, वगैरह 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 वगैरह, जो भी चीज़ें थी, गाना काफ़ी सही लगा मेरे को, मज़ा आया, बीट थोड़ा सा और अच्छी हो सकती थी भाई। देखो ये नेगेटिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अब डेफिनेटली मुझे और मज़ा आती है अगर बीट थोड़ा सा और सही होती, ठीक है। तो वो वाइब आ रही थी बट ज़्यादातर लिरिक्स डोमिनेट कर रही थी, मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी हुई थी, गाना सही लगा, ओवरऑल अच्छा लगा, मज़ा आया मेरे को। तो आपको कैसा लगा बताओ, और अपना फेवरेट बार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, फटाफट से कमेंट कर दो अपना फेवरेट बार जो आपको मस्त लगा, और टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर दो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बात मैं फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट माय फ्रेंड्स। आरंभ से प्रचंड मैं तो सोचा कैसा अंत है, उतारे पे मेरी नजर तो पीस अपने दंत पे, ना कोई चाहता भला यहाँ ना कोई संत है, क्या तुम मुझको पाती है कि शस्त्र मेरा घंट है, पर था अपने कर्म मैं ना फल की मुझको आस है, कोई ना है संगीत।
ये कसर नहीं कलम में जो